जीव हैं, आप जीव हैं या नहीं है? जीव का क्या लक्षण है? जीव का लक्षण क्या है? हम कैसे पहचाने कि आप जीव हैं? आपके अंदर ऐसी कौन से गुण हैं, क्या लक्षण हैं आपके, क्या चिन्ह हैं आपके कि मैं, हम आपको ये कहें कि आप जीव हैं? कैसे माने हम, सिद्ध करके बताओ। अच्छा, हमारा छोटा सा भैया बोल रहा है जिसमें जानने देखने की शक्ति होती वो जीव होता। तो आजकल कैमरा भी जानता है और देखता है, तो क्या उसको जीव कह दें? लगे होते ना कैमरे, और जिसका वो आपका मोबाइल आपको जानता है, वो आँख का वो होता ना क्या, अरे वो खुलता है जिससे, वो आँख से टच कर देते हैं उसको, क्या करते हैं, और वो तुम देखते हो और वो खुल जाता है। तो उसने तुम्हें जान लिया, पहचान लिया कि तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है। कुछ अंगूठा से टच करने वाला होता है कि जब इसका अंगूठा लगेगा तो ही खुलेगा, नहीं तो खुलने वाला नहीं है। तो जानता तो मोबाइल भी है और देखता तो कैमरा भी है, तो क्या हम उसे जीव बोल दें? नहीं बोल सकते। फिर जीव का लक्षण क्या है? क्या बात है, आप खुद जीव हो और आपको अपना लक्षण भी नहीं पता है। जीव का लक्षण तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में आया है, उपयोगो लक्षणम। जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग का मतलब क्या है? अब आप उपयोग का मतलब जो समझती हैं, आप ये देखिए, आपका ध्यान कहाँ है इस समय? आपका ध्यान कहाँ है? मेरी तरफ। मेरी तरफ में सुनने में और देखने में, तो आपका उपयोग इस समय मेरी तरफ है। आपका इस समय उपयोग कहाँ है? मेरी तरफ है। और एक बार में उपयोग एक तरफ ही होता है और एक समय का उपयोग होता है, एक समय में चेंज हो सकता है। अब आप पूछोगे समय क्या है? आपने एक घंटा नहीं कहा, एक सेकंड नहीं कहा है, 24 घंटे नहीं कहा, दिन नहीं कहा, महीना नहीं कहा, एक समय कहा। तो एक समय कितना बड़ा होता है? आप पलक झपकते हो तो कितना समय लगा? एक सेकंड। एक सेकंड लग जाता है। एक बार पलक झपकने में सामान्य व्यक्ति को एक सेकंड लग जाता है, ठीक है? एक सेकंड के हिस्से करो, एक सेकंड के संख्यात असंख्यात हिस्से करो, असंख्यात जिसकी गिन ना सको इतने हिस्से करो। मान लो पलक यहाँ से उठी है और नीचे तक आई है, तो वो इतना एरिया तय किया ना उसने, जितना एरिया तय किया है उसमें कितने प्रदेश हैं। और ये बताया है भगवान महावीर ने कि एक जो आपने पलक झपकी इसमें असंख्यात आवली हो गई। आवली भी एक समय का नाम है, जैसे घंटा नाम है, मिनट नाम है, ऐसे आवली भी समय का एक नाम है। तो एक पलक झपकने में असंख्यात आवली हो गई, और असंख्यात आवली से भी छोटा एक समय होता है और एक समय का उपयोग होता है। जैसे एक व्यक्ति एक जरा सी देर में यहाँ ध्यान देता है, जरा सी देर में वहाँ चला जाता, जरा सी देर में वहाँ चला जाता, इतनी जल्दी कैसे गया? ये जीव का गुण है, ये जीव का लक्षण है, ये जीव की क्वालिटी है। इस क्वालिटी का उपयोग चाहे तो वो संसार में कर ले, चाहे तो वो नोट गिनने में कर ले, चाहे वो धन कमाने में कर ले, चाहे वो अपने सजने सवरने में कर ले, चाहे वो अपने बुराई निंदा में कर ले, चाहे उसे ध्यान में कर ले, चाहे उसे पूजा में कर ले, चाहे स्वाध्याय में कर ले। एक लक्षण है जीव का, उपयोग। एक समय में उपयोग कहाँ जा रहा है आपका, और एक समय में कितने कर्म आते हैं ये भी शास्त्र में लिखा हुआ है।
एक समय में इतने कर्म आ जाते हैं। तो जीव का क्या क्या लक्षण है? उपयोग, चेतनता। और लक्षण देखे जाएं तो चेतनता, जीता था, जीता है और जिएगा। एक किसी को कैंसर की बीमारी हो गई, उम्र छोटी थी, बच्चे भी ठीक थे, 15-20 साल के थे। अब वो कहे मुझे जीना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो, कोई दवाई ऐसी दिलवा दो कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। उसकी अंदर से तीव्र इच्छा है। लेकिन यही यदि वह महिला ज्ञानी होती, वह महिला ने स्वाध्याय किया होता और उस समय कोई समाधि मरण करवाने वाला होता और उससे कहता कि देख जीव तो कभी मरता ही नहीं है, तो जीने की इच्छा क्यों कर रही हो? तेरा तो स्वभाव ही जीने का है, तेरा तो स्वभाव ही जीने का है, तू मरती कहाँ है? आज इस शरीर में जी रही है, कल इस दूसरे शरीर में जिएगी। जीना तो हमारा स्वभाव है, जीव का धर्म ही जीना है, मरने का स्वभाव तो हमारे पास है ही नहीं है। तो ये सोच ही मत कि तू मर रही है। और ऐसे यदि उसके मन में उस समय विचार डाल दिए जाते, उस समय उसका समाधि मरण अच्छे से करवा दिया जाता, तो कितने शांति से जाती है। उसके मन में जीवन के प्रति लालसा थी, जीने के प्रति लालसा थी। अरे लालसा क्यों, ये तो हमारी क्वालिटी है। जो चीज़ हमारे पास है, जो हमारा गुण है, जो हमसे कोई छीन ही नहीं सकता है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? जो हमारा स्वभाव है, जो हमारा धर्म है, हमारा गुण है, हम उसकी इच्छा कर रहे हैं। तुम्हारे पास में खजाना है और तुम धन ढूंढ रहे हो, कोई मुझे धन दे दे, मैं बहुत गरीब हूं, क्या कहोगे उसे? क्या कहोगे? अरे पागल, तू कितना धनवान है, तू मांग क्यों रहा है, तेरे पास धन तो खुद ही है। कहोगे नहीं कहोगे? यदि कोई धर्मात्मा, कोई ज्ञानी, जब कोई मर्मज्ञ इस बात को सुनता है कि वो जीने की इच्छा कर रही है, अरे जीने की इच्छा करना क्यों है? हम तो जीवन वाले ही धर्म वाले हैं, हम तो मरते ही नहीं है कभी भी, बस शरीर बदलता है। अभी इस समय काफी लोगों का कोरोना के कारण से हुआ, चिंतन करो। वे लोग, उनके परिवार वाले अवश्य चिंतन करें। जो जीव तुम्हारे घर से गया है, जो जीव तुम्हारे परिवार से गया है, वो उसने अगले उसमें जाके जन्म ले लिया, तुम्हें याद भी नहीं कर रहा, वो तुम्हें वो भूल गया, वहां जाके वो वैसे ही हो गया और तुम उसके नाम से अभी भी रो रहे हो। मत करो आर्त ध्यान। क्या कहा? आर्त ध्यान मत करो। सुकुमाल की माँ, सुकुमाल ने दीक्षा ले ली, खूब रोई, खूब तड़फी, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, आर्त ध्यान किया था। मर करके क्या हो गई? सियालनी हो गई। क्या बन गई? दुर्गति हुई कि नहीं हुई? सुकुमाल तो चले गए सरवार सिद्धि, सुकुमाल तो चले गए ऊपर, और उसकी माँ कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? त्रियंच गति में चली गई। किसकी दुर्गति हुई? आर्त ध्यान करने वाले की दुर्गति हुई। आप धर्म ध्यान करो, ऐसा धर्म ध्यान करो कि भगवान मेरा अच्छा समाधि मरण हो। क्योंकि कोरोना में जो लोग गए हैं, उनके सामने कोई नहीं था, उनके पास में कोई नहीं था, ऐसी मृत्यु भगवान से कहो किसी को ना आए। कोई नमोकार मंत्र सुनाने वाला नहीं था, कोई बातचीत करने वाला नहीं था, कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं था कि मुझे सिर में दर्द हो रहा है कि पैर में दर्द हो रहा है, कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कोई पीड़ा सुनने वाला नहीं था। ऐसी अवस्था में मृत्यु होना कितनी बड़ी दुर्घटना है, कितनी बड़ी दुर्घटना है। अब वो तो चले गए हैं, लेकिन तुम अपना जन्म सुधार लो। जो बचे हुए हैं वो धर्म ध्यान कर लो, आर्त ध्यान छोड़ो, धर्म ध्यान करो। जाने वाला तो जन्म ले लिया, मरता तो है ही नहीं ना जीव, जीव तो मरता नहीं है। तुम किसके लिए रो रही? शरीर के लिए। अरे बोलिए ना,
किसके लिए? अच्छा, कोई चला जाए इस दुनिया से तो लोग उसकी आत्मा के लिए रोते हैं या उसके शरीर के लिए रोते हैं? बोलिए ना, कितने पैसे लगते हैं? नहीं लगते हैं तो उसमें कुछ नए कपड़े लगते हैं? ध्यान लगाने के लिए नए कपड़े पहनने की जरूरत है? नहीं। तो ध्यान लगाने के लिए कोई कोठी बंगला की जरूरत है कि वहीं ध्यान लगेगा, कहीं नहीं लगेगा? ऐसा कोई स्थान की जरूरत है क्या? नहीं। यानी भगवान का ध्यान फ्री में हो जाता है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वो रिश्तेदारी ऐसी है, एक बार ध्यान लगा लिया और लगाते रहे लगाते रहे लगाते रहे तो बाहर का कनेक्शन अपने आप कट होता रहेगा और अंदर से जुड़ता रहेगा, और ऐसा जुड़ेगा कि तुम्हें मोक्ष में ले जाएगा और सच्चा शाश्वत सुख प्राप्त करा देगा। धर्म करना चाहते हो? अरे बोलो ना। नहीं, थोड़ी सी वो रहती ना, माता जी क्या करें, गृहस्थी है, टाइम नहीं मिलता है धर्म करने का। हाँ, मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, कई तो ऐसे होंगे मंदिर भी नहीं जा पाते हैं, हैं कई ऐसे होंगे माता जी पूजा नहीं कर पाते हैं, क्यों? गृहस्थी है ना, नहीं हो पाता है। अच्छा, अभिषेक पूजा कर, अभिषेक कर लिया करो। माता जी टाइम नहीं मिलता, रात को 12 बजे तो दुकान से लौटते हैं। अब आप कहो सुबह 6 बजे अभिषेक करने जाओ तो नहीं हो पाता माता जी। देखो सच्ची बोल रहे हैं हम, तो नहीं हो पाता है भाई। चौका वौका लगा लिया करो। अरे माता जी घर इतना छोटा है, इतना फर्नीचर भरा पड़ा है कि चौके के लिए भी जगह नहीं रहती हमारे यहाँ तो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, अब फ्लैट सिस्टम चल गए। पहले तो घर के खुले मकान होते थे, बीच में आंगन होता था, आसपास बरामदा होता था, अंदर कमरे होते थे तो आराम से उजाला भी होता था, आराम से बैठने का स्थान भी होता था, शुद्ध स्थान होता था। चप्पल घर के बिल्कुल बाहर में उतरती थी, अब पूरे में चप्पल घूमती है। तो पहले सब सुविधा भी थी, मकान भी था, सबके हिसाब की व्यवस्था भी थी। लेकिन अब घर में पाटे नहीं मिलेंगे क्योंकि खड़े खड़े रोटी बनाते हैं, बैठ के भोजन नहीं करते हैं क्योंकि डाइनिंग टेबल आ गई है। घर में पाटे नहीं है, साधु आ जाएं तो बिठाएं कहाँ? खुद के बैठने के लिए ऊंचे ऊंचे आसन आसन बना लिए, और साधु के बैठने के लिए तुम्हारे घर में पाटा भी नहीं है। अब तुम कहते, अभी कल कुछ लोग कह रहे थे, बोले माता जी हम लोग इतना धर्म करते हैं मगर हमारे यहाँ ऐसा हो गया। मैंने कहा तुम करते तो हो, कितने भावों से करते पता है तुम्हें? माला फेरते हो? अरे बोलिए ना। हाँ तो बोलिए, माला फेरते हो? कौन कौन फेरता है? अच्छे से हाथ उठाओ, मैं देख तो लूँ। नहीं फेरने वाले अपने आप दिख जाएंगे। आज से फेरने लगना, जो जो ने हाथ नहीं उठाया आज से फेरने लगना। अच्छा, माला फेरते हो, चलिए आप माला फेरते बहुत अच्छा काम करते हो, फिरना चाहिए। पूजा करते हैं, पूजा करने में कौन सी, अरे वही पूजा निकाल ले जल्दी हो जाती है। हाँ वो उसमें टाइम कम लगता है, वही निकाल ले और याद भी है ना, तो जिनवाणी भी नहीं लेनी पड़ेगी हाथ में। शुरू हो गई पूजा, चल रही है, दिमाग कहीं और घूम रहा है। पूजा ध्यान से नहीं करते, माला ध्यान से नहीं फेरते, गुरुओं की सेवा नहीं करते हैं, धर्म में ध्यान नहीं लगता है और उम्मीद बहुत करते हैं। जबकि सम्यक दृष्टि जीव जो होता है, सम्यक दृष्टि जीव के पास किसी चीज की कमी होती नहीं है। सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, ध्यान लगाओ, वास्तव में धर्म करो, सच्चे रूप में धर्म करो, अंतरंग से भगवान को याद करो। इन भगवान के दर्शन किए आपने? क्या किया आपने दर्शन में? आप अपने मंदिर में जाते हो, कैसे दर्शन करते हो? गए, चावल चढ़ाए, अर्घ चढ़ाए, बस देखा तक नहीं भगवान को ध्यान से। और उम्मीद, घर वाले जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम इतना करते हो, जिन बच्चों के लिए तुम जिंदगी छिड़क देते हो, वो बच्चा भाग के शादी कर लेता है, वो नहीं सुनता तुम्हारी। जिसको तुमने इतना याद किया, माला में याद किया, जाप में याद किया, पूजा में याद किया, तुमने भगवान को छोड़ दिया उसके पीछे और वो नहीं सुन रहा तुम्हारी। और जिसको याद नहीं किया उससे उम्मीद करते हो? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही आप लोग गलत कर, लेकिन जिस वे में, जिस रास्ते पर हमें वास्तव में चलना चाहिए
वो रास्ता हमने छोड़ रखा है। आप इस रास्ते पर चलो, ये जैन धर्म ऐसा धर्म है, ऐसा धर्म है, वास्तव में इसकी क्वालिटी आप नहीं जानते हो। जैसे समुद्र में ऊपर ऊपर तो कचरा होता है, समुद्र के ऊपर क्या होता है, कचरा होता है, लाशें तैरती हैं, लकड़ियां तैरती हैं और सब गंदगी रहती है ऊपर ऊपर, और अंदर हीरा मोती मिलते हैं। अभी जिंदगी जो इंसान ऊपर ऊपर जी रहा है संसार में तो यही मिलेगा, जरा गहराई में जाओ जैन धर्म की, वो हीरा मोती मिलेंगे कि ये हीरा मोती फीके पड़ जाएंगे। मुझे बात तो करनी थी लक्षण की और पहुंच गई कहीं और, लेकिन जरूरी ये भी था। तो आप जीव हैं, आप कौन हैं? अरे बोलिए ना, जीव बोलता है क्या? कौन बोल रहा है, पुद्गल बोल रहा है कि जीव बोल रहा है? पुद्गल के माध्यम से जीव बोल रहा है, बोलने वाला तो जीव है लेकिन माध्यम कौन है? पुद्गल है ना। तो उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है, जहां उसका ध्यान रहता है बस वहीं वो रहता है। अभी आप यहां बैठे हैं और आपका ध्यान यदि चला गया अमेरिका अपने बच्चे के पास, या इंग्लैंड या पूना या कहीं भी, तो आप यहां नहीं है, शरीर तो यहां है लेकिन उपयोग के माध्यम से वहां पहुंच गए। अब कर्मबंध किससे होगा, कर्मबंध किससे होगा? शरीर से होगा क्या? बैठे यहां हो, देख यहां रहे, अब आंख कर्मबंध नहीं कर रही, कर्मबंध करने वाला उपयोग है। यदि शुभ है तो शुभ उपयोग है, अशुभ है तो अशुभ उपयोग है। और यदि आत्मा में, ध्यान में, दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित है, जैसा कि समय सार में भी कहा है, जीवो चरित्र दंशन नानठिदो तम ही ससम्यम जानम पोगल कम पैठदि तम ही जान पर समयम। यदि आत्मा में स्थित है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की एकता पूर्वक ध्यान आत्मा में लगा हुआ है तो वो स्वसमय है। कौन सा समय है? स्वसमय। अब समय को और सुन लो, स्वसमय, स्व यानी मेरा, मैं यानी आत्मा, वो समय आत्मा का है। और जीव यदि पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित है तो वो परसमय है। आप स्वसमय में कितनी देर रहते हैं? एक क्षण को भी नहीं रहते, एक क्षण को भी। अब ये कर्म कैसे कटें, ये दुख दूर कैसे हो, ये तो हम बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, कम करने के नाम पे बढ़ाते चले जा रहे हैं। पर संयम जानम, और ये तो सातवें गुण स्थान की बात है, स्वसमय से सातवें गुण स्थान से शुरू होता है, ये तो अभी तो पॉसिबल ही नहीं है। अभी इस स्थिति में जब तक ऐसे रह रहे तब तक तो अभी पॉसिबल है ही नहीं है, लेकिन अभ्यास, वहाँ पूर्णता, वहाँ स्वसमय की शुरुआत है, लेकिन स्वसमय में पहुँचने का अभ्यास यहाँ से शुरू होता है। ध्यान लगाना यहाँ से शुरू होता है, शुरुआत यहाँ से होगी और वहाँ फिर आप पहुँचोगे और पूर्णता होगी तेरहवें गुण स्थान में, जब अरिहंत भगवान बन जाएंगे, जब चार कर्मों का नाश हो जाएगा। तो बंधु आओ समाप्त करूं, आपको मेरी बात का बुरा तो नहीं लगा? ओहो बड़ी दिक्कत है, लगना चाहिए, लगेगा तभी तो सुधरोगे, थोड़ा थोड़ा तो लगना चाहिए ना। मैंने कल परसों भी बताया था, यदि चाय के ऊपर से लड़ाई हो जाए तो आज से चाय नहीं पीऊंगा, अब पी लो तुम्हें सारी चाय, ऐसे होता है ना। किसी के किसी रिश्तेदारी में लड़ाई हो जाए तो उनके घर जाना छोड़ देते हो, छोड़ते नहीं छोड़ते? अब मैंने आपको कहा आपको बुरा नहीं लगा तो आप कैसे छोड़ोगे, प्यार से छोड़ दोगे? अरे बोलिए ना, कहना हम किसी तरह भी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ोगे तो उसका फल क्या है? भटक रहे थे,
भटक रहे हैं और भटकते रहेंगे। रास्ता तो ये ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में, चाहे कितने जन्म बीत जाए इसी रास्ते पर ही आना पड़ेगा। जितनी देर करोगे उतने दुख बढ़ेंगे, उतना संसार बढ़ेगा। देर करोगे, ठीक है समाप्त करूं और बोलूं, थोड़ा और बोलूं, चलो थोड़ा सा और बोल लेती हूँ। भोजन में भात का, तत्वों में सात का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का, आपको जोर से बोलना है। पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, और कहाँ कहाँ से आए हैं, ग्वालियर, प्रभु के नियर का, प्रभु के नियर का, और छोड़ने में बियर का, और आने वालों में ग्वालियर का, आम की बौर का, नेता के दौर का, और आने वालों में इंदौर का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में वर्ण नगर का, अरावली, आगरा, जीवन में जरा का, रहने के लिए धरा का, और आने वालों में आगरा का, मंडलेश्वर, हाँ, भक्त के लिए ईश्वर का, और पत्नी के पति परमेश्वर का, और आने वालों में मंडलेश्वर का, महिलाओं में कड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में सागवाड़ा का, बड़ा ही महत्व है, मुंगावली, फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और आने वालों में मुंगावली का, बड़ा ही महत्व है, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में उदयपुर का, बड़ा ही महत्व है, गोवा, कुआं, रिश्तों में बुआ का, पक्षियों में सुआ का, और आने वालों में कुआं का, बड़ा ही महत्व है, अहमदाबाद या अहमदाबाद, अच्छा अहमदाबाद वाले कभी नहीं बोलते अहमदाबाद, अहमदाबाद बोलते हैं, नहीं होने में विवाद का, देने में दाद का, और आने वाले में अहमदाबाद का, बड़ा ही महत्व है, बाकानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में बाकानेर का, बड़ा ही महत्व है, धार, शास्त्रों में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का, और आने वालों में धार का, बड़ा ही महत्व है, जंगल में मोर का, जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में कैमोर का, बड़ा ही महत्व है, भिलाई, दूध में मलाई का, हाथ में कलाई का, और आने वालों में भिलाई का, बड़ा ही महत्व है, नरेना, अनाज में चना का, पेड़ में तना का, और आने वालों में नरेना का, बड़ा ही महत्व है, कौन सा नगर, विकास नगर, चलने में डगर का, बातों में अगर मगर का, और आने वालों में विकास नगर का, बड़ा ही महत्व है, डूंगरपुर, पशुओं में खुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में डूंगरपुर का, बड़ा ही महत्व है, गुड़गावा, गुड़गावा है या गुड़गांव है, क्या कह रही है, गुरुग्राम है, गुरुग्राम है, तो किस किसका बताऊं, गुरुग्राम का, अच्छा, व्यापारियों में दाम का, प्रभु के नाम का, और आने वालों में गुरुग्राम का, बड़ा ही महत्व है, दिल्ली, तरियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, और आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही महत्व है, पशुओं में डंकी का, डंकी जानते ना, गधा, पशुओं में डंकी का,
और छत पे पानी की टंकी का और आने वालों में बारह बंकी का बड़ा ही महत्व है। नगर वाले आज बहुत आए हैं। चंदन में तगर का, बातों में अगर का और आने वालों में मुजफ्फरनगर का बड़ा ही महत्व है। आनंद पुरी, अच्छा, देवों में असुर का, गाने में सुर का और आने वालों में आनंदपुर का बड़ा ही महत्व है। बोलिए चौबीसों भगवान की। तरहू गुणगान मुझ दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही लेते लेते इस तन से निकले प्राण। करता रहूं गुणगान मुझ दो ऐसा वरदान, तेरी दया से मेरे भगवन मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जक्की मो माया, फिर भी अर्ज करता हो सके तो देना ध्यान। इतनी नजदीक हो और फिर घूम सकता है दो घर से, यहाँ आके इतना अच्छा लगता है सब लोगों को कि मेरे जो परिवार के सब लोगों ने बोला बोला आपको इतनी बार रहते हम लोगों को भी ले सो। आज मैं अपने पूरे परिवार को लेकर के वो स्वस्थी धाम में आई हूँ, उन सबको बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब बोलते बोले कि अब तो हर महीने ऐसा ही टूर बनाएंगे कि हम उनके साथ बनाएंगे। बंधुओं, आज सारंगपुर से हमारा ग्रुप श्री संतोष कुमार जी, दीपेश कुमार जी पुण्यार्जक के रूप में पधारे। हम इस तीर्थ की सबसे बड़ी विशेषता ये देखी माता जी कि इस बोली के माध्यम से चंदे के माध्यम जितना भी पैसा आया उसका एक जितने भी तीर्थ स्थान देखे मैंने उसमें एक ये ऐसा तीर्थ स्थान देखा जिसका सदुपयोग 100% पैसे का सदुपयोग हुआ है और वास्तव में सुविधा मिली है। इस तीर्थ की यही विषय की समन्वय सद्भावना संगठन साथ आज हमारे सभी भाइयों ने और इसकी यात्रा का लाभ लिया। सिर्फ मैं यही कहना चाहता हूँ कि भक्ति के रंग में सब इस टाइप से रंग गए हैं कि रंग माँ प्रभु थारी भक्ति में रंग गए रे। अगर कहूँ तो उसमें भी खारापन है, गगन कहूँ तो उसमें भी कालापन है। धन्य है वे आदिका माँ श्री स्वस्ति भूषण माता जी जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है, जिन्हें हर प्राणी से अपनापन है। माता जी आपके चरणों में बारंबार वंदामी, और हम पहले भी आ चुके हैं माता जी और अभी भी आए, लेकिन हम इतना अच्छा लगता है आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहते हैं जैसे हमारे भगवान श्री मुरुषनाथ भगवान है। वो हमेशा उनके जब भी प्रतिमा हम देखते हैं निहारते हैं ऐसे लगते हैं हमारी तरफ हंस रहे हैं, और आप भी हमेशा ऐसी मुस्कुराती रहती है माता जी। हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर, और हम धन्य हो गए जो आपके दर्शन वापस हमें मिले, और हम प्रार्थना करते हैं कि मुनीश्वरनाथ भगवान वापस हमें दर्शन करने के लिए बुलाएं। और हमें बहुत अच्छा लगा शांतिधारा करकर माता जी और आपके दर्शन करकर। जय जिनेंद्र सर। वंदामी माता जी, वंदामी माता। मैं चार लाइन यहाँ के मंदिर जो बना उसके ऊपर बोलना चाहती हूँ। सबको उतारने वाले भगवान बैठे यहाँ, सबको तारने वाले भगवान बैठे यहाँ, मंदिर बना जैसे जहाज। सबको तारने वाले भगवान बैठे मंदिर यहाँ बना जैसे जहाज। मुनीश्वरत भगवान के द्वार पे आके लगता है जैसे आए हम बार बार। दो दिन पहले हमारे सुसनेर में मंदिर है, जैन मंदिर, वहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा है। मैं उनके चरणों में मंदिर गया था तो मैंने सिर्फ इतनी विनती की थी कि सिर्फ मेरे को आपके फिर शिखर जी के मतलब वहाँ मुनीश्वरनाथ भगवान में दर्शन करने जाना है, नहीं शिखर जी के लिए। तो विनती कहाँ करी, मुनीश्वरनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने। तो उसी दिन मतलब एक दिन पे, और रात में मेरा 11 बजे तक कोई आने का कोई भी विचार नहीं था, और 11:30 बजे मैंने अपने आप ही कपड़े जमाए और मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, जरा मैं साथ में चल रहा हूँ इनके, और मेरा यहाँ आने का बिल्कुल जैसे मुझे बुलाया हो उस हिसाब से मतलब मैं यहाँ तक आ सका हूँ। जी की जय। बंधुओं, मैं एक महीने पहले भी जहाजपुर आ चुका हूँ, देखिए भगवान की महिमा। मेरा आने का नहीं था लेकिन फिर भी मैं पिछली बार दर्शन करने के लिए आया, और वाकई में मतलब जहाजपुर मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन कर मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। आपको भी सभी को जहाजपुर आना चाहिए, और दूसरी बार हमारे फूफा जी की तरफ से आया हूँ,
और बहुत अच्छा लगा दर्शन कर। आप सभी को भी यहाँ पर बार बार आना चाहिए और मुरुसनाथ भगवान की प्रतिमा के सामने बैठकर जो आनंद आता है, पूजा करने में, स्पर्श करने में बहुत आनंद आता है। चरणामुझ स्पर्श करती छाये अर्ष अपारे, चरणामुझ स्पर्श करती छाये अर्ष अपारे, पावन तनमन नयन भय सब दूर भय अंधियारे। आपके जीवन के सारे अंधियारे दूर हो जाएंगे अगर आप मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करेंगे। और माता जी के दर्शन भी आप देखिए, मतलब जैसे मुनीश्वरनाथ भगवान आपको देखते ही, मतलब आप देखेंगे कि वो मुस्करा रहे हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, ऐसे ही माता जी भी हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, आनंद आता है। नेपाल से आया हूँ और बहुत समय से यहाँ आ रहा हूँ। स्टार्टिंग में जब मैंने यहाँ पर देखा, जब मैं आया था यहाँ पर, तो निश्चित तौर पे माता जी की त्याग और तपस्या का ये परिणाम है कि आज इतना बड़ा क्षेत्र जो पूरे अपितु मध्य देश में नहीं पूरे विश्व में ऐसा मंदिर, इतनी सुंदर प्रतिमा अद्वितीय हमें देखने को मिल रही है और हम इनके दर्शन करके लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित तौर पे यहाँ अतिशय है और अतिशय होता आया है। जो यहाँ एक बार आ जाता है उसका बार बार आने का यहाँ मन होता है। हम भी हमारा माता जी कई बार यहाँ आए, जब भी यहाँ से निकलते आसपास तो अचानक मन हो जाता है। हमारी श्रीमती जी तो बहुत दिन से लगी हुई थी कि चलना है पर समय नहीं मिल पा रहा था, और किस्मत से जब भी यहाँ आए हैं तो हमें नए नए अनुभव मिले हैं। और ये माता जी की त्याग और तपस्या का ही परिणाम है कि आज हम सब श्रावकों को इतना भव्य मंदिर और ऐसे दर्शन हो रहे हैं। आज मैंने जानपुर का इतना सुंदर और समृद्ध मंदिर देखा, तो मैंने दो लाइन बनाई है उसके लिए जो मेरे मन को भाई कि मतलब इतना सुंदर मंदिर देखा और क्या मन में आया। तो मैं सबके सामने मतलब एक दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि स्वस्ति धाम के ये जहाज में बैठे हम इस बारे, अरे स्वस्ति धाम के ये जहाज में बैठे हम इस बारे, केवटिया है मुनिसुव्रत जी, केवटिया है मुनिसुव्रत जी लगते कारे कारे, स्वस्ति धाम के ये जहाज में बैठे हम इस बारे। अरे बोला कि धन्यवाद, इतना सुंदर और समृद्ध लग रहा है, सभी को साथ जय जिन्हें बंदा में होता है। चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज पर, चलो रे चलो। जय जिनेंद्र बंधुओं, हम सबके महान पुण्योदय से भूगर्भ से प्रकटित स्वस्ति धाम जहाजपुर में साक्षात विराजमान चैतन्य चमत्कारी 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन छत्र छाया में, पावन निश्राम में स्वस्ति धाम प्रणेता गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का 26वां मंगलमय वर्षा योग यहाँ पर चल रहा है। इसी दौरान आने वाली 10 सितंबर से 19 सितंबर तक पर्वादिराज पर्युषण महापर्व का आयोजन होगा, और इस पर्वादिराज 10 लक्षण पर्व में परम पूज्य गुरुमा स्वस्ति भूषण माता जी के ससंग पावन सानिध्य में एक श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन यहां पर किया जा रहा है, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। जो भी अपने जीवन को सही राह में, सही मार्ग पर आगे बढ़ाना चाहते हैं और पूज्य माता जी ने जो साधना की है उनकी साधना का प्रभाव आप देखना चाहते हैं, तो आप इस शिविर में अवश्य पधारें। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा जो शाम को 8 बजे तक चलेगा। सुबह ध्यान एवं योग और उसके बाद में अभिषेक शांति धारा, सामूहिक पूजन, दोपहर में प्रतिक्रमण साधना, और इसके अलावा तत्वार सूत्र का स्वाध्याय, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम और भी कई आयोजन यहां पर होने हैं। सभी के लिए आवास एवं समुचित व्यवस्था है भोजन की। बंधुओं, कोरोना महामारी चल रही है, इस शिविर में जो भी आना चाहते हैं वो अपनी RT-PCR रिपोर्ट साथ में लेकर के आए, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आएंगे तभी उनको इस शिविर में बैठने की अनुमति दी जाएगी। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768।